नमस्कार सभी को। जैसा कि आज कल हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हो चुका है, तो या हम यूँ कहें कि भारतीय समाज में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो संस्कृत के श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी मंच पे खड़े होते हैं और मंच पे खड़े होके संस्कृत के कुछ श्लोक जो है वो बोल देते हैं, तो आगे सुनने वाला जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इसके अर्थ जो हैं बहुत सुंदर अर्थ हैं और सुनने वाले को भी आपकी जो विद्वता है या आपका ज्ञान जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें भारतीयता की झलक दिखती है। तो हमें मंच से खड़े होकर के संस्कृत का श्लोक बोलना है, और संस्कृत का श्लोक जो है किस प्रकार का होना चाहिए, उस स्थिति में उस कंडीशन में वो सूट करता है या नहीं करता है, हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। और यदि हम इन श्लोकों को पढ़ना चाहें तो हमें किसी आचार्य के पास जाना पड़ेगा, पंडित के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आज के समय में ये थोड़ा सा कठिन कार्य लगता है, तो इसलिए आप इन श्लोकों को YouTube पर हमारे संस्कृति संस्कृत सरिता चैनल पर पार्ट 1 2 3 में इस तरह से पढ़ सकते हैं। हम कुछ ही श्लोक आपको सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, उनका उच्चारण करना सिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस भाग के प्रथम श्लोक की ओर। तो मैं आपको श्लोक सिखाऊंगा, बुलाऊंगा, आप उसे उसी तरह से पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं श्लोक संख्या 1 की ओर। तो ये श्लोक भी हैं और ये कुछ मंत्र भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन सब को श्लोकों की संज्ञा देंगे। है तो ये मंत्र भी हैं, ऋचाएं भी हैं। यदि हम लोग संस्कृत की व्याकरण में या संस्कृत की लिटरेचर में घुस जाएंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल है। हमें इन सब बातों से हट करके एक साधारण तरीके से संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना है। कौन से श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं श्लोक संख्या 1 की ओर। और ये है, यहाँ क्या लिखा है, सम। क्या है ये सम? जैसे मैं बुला रहा हूँ वैसे ही बोलना है। अब आप पूछेंगे इसको सम क्यों बोल रहे हैं, सन है ये, इसको ना बोलते हैं? नहीं, संस्कृत में इसको माँ बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सम। ये क्या हो गया, गच्छ। गच्छ ये क्या है, ध्वम। तो पूरा बोलेंगे गच्छ ध्वम, तो यहां से यहां तक बोलेंगे सम गच्छ ध्वम। फिर आगे सम सम वद ध्वम, सम वद ध्वम। तो इतना सा श्लोक है, ठीक है, जिसका आपको मैं इसका रेफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पर। ये ऋग्वेद से लिया गया श्लोक है, ठीक है। और ऋग्वेद की कहाँ से लिया गया है, अगर आप मंच पे खड़े होके बोल रहे हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं 10:181-2। अब ये क्या है, 10वें मंडल का 181वीं सूक्त और दूसरी ऋचा। सुंदर सी बात है। अब अगर आप इसको नहीं बोल सकते तो आप इसको रहने दें, ना बोलें, सिर्फ ऋग्वेद बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में ये जो ऋचा है, ये जो सूक्ति है, ये जो श्लोक लिखा गया है उसका अर्थ है। क्या अर्थ है, साथ चलें मिलकर बोलें, साथ चलें और मिलकर बोलें, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। इसका ये मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है ये है कि उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। तो अब आगे की भूमिका आपको खुद बनानी है। तो ये पहला श्लोक था जिसे हम एक बार में इस तरह से पढ़ेंगे, सम गच्छद्वम सम वदद्वम, ठीक है। तो ये था पहला श्लोक। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं दूसरा श्लोक। अब ये है दूसरा श्लोक। अगर आपने ये पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आज हम इसे पढ़ते हैं। उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, उत्ति उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, जाग्रत जाग्रत।
प्राप्यो प्राप्यो वरान, ये क्या है वरान, ये वाला ना जो है ना इस तरफ चला गया, ये वाला नहीं, ये वाला वरान। फिर नी नी भोदत, वरान नी भोदत। अब इतना भी बोल लेंगे आप तो काफी है, लेकिन ये पूरा श्लोक यहां पर जाके खत्म होता है। अब आगे क्या है, आगे क्या है, क्षुरस्य 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 धारा धारा निशीता निशीता क्षुरस्य धारा निशीता दुरत्य, ये क्या है दुरत्य दुरत्य रत्य दुरत्य या दुरत्य या दुरत्य या दुर्गम। अब यहाँ बिंदी है तो हमें माँ बोलना है। दुर्गम पथस, क्या है ये पथस, तत् तत् कवयो कवयो वदन्ति कवयो वदन्ति। तो ये जो नंबर है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, और यहाँ लिखा है कि ये उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद बोल देंगे इतना ही काफी है। तो इसका अर्थ है कि हे मनुष्यो, हे दुनिया वालों, उठो जागो सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी उस पथ को सूर्य की तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम घोर या कठिन कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी भी इस उक्ति को बहुत बढ़ा करके बताते थे, वही बात है। और आगे लिखा है कि वो जो मार्ग है वो कैसा है, जैसे जैसे शूरा नहीं होता, सूर्य की जो आगे से धारा होती है कितनी तेज होती है, जैसे उसके ऊपर चलना काफी मुश्किल होता है, उसी तरह से वो मार्ग है जिस मार्ग को हमने लांग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को भी आप बोल सकते हैं और इस श्लोक को याद कर लें। इसी तरह से हम बोलेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अब मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया, अब आपने उसको सीखा, फिर आपने इस तरह से बोला। पहली बार में नहीं आएगा, इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप हर दिन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब ये है एक श्लोक जिसको हम पढ़ेंगे, विद्या मित्रम प्रवासेशु। अब कई बार क्या होता है, हमें 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन इनवाइट किया जाता है, हमें स्टेज से कुछ ब्लॉग बोलना है, तो उस समय ये श्लोक बोल सकते हैं आप। क्या है, विद्या मित्रम प्रवासेशु भार्या मित्रम गृहेषु च गृहेषु च। फिर आगे रुग्णस्य, क्या है ये रुग्णस्य चौषधम चौषधम मित्रम, क्या है ये मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च मृतस्य च। तो जिसका अर्थ है कि प्रवास की मित्र विद्या, अर्थात विदेश की, जब हम विदेश में जाते हैं तो उस समय हमारी मित्र होती है विद्या, घर में मित्र होती है पत्नी, और मरीजों की मित्र होती है औषधि, और मरने के बाद मित्र होता है धर्म। तो ये श्लोक काफी सुंदर श्लोक है, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर से बोलेंगे, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च रुग्णस्य चौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे वाला श्लोक। असतो ओम असतो मा सद सद गमय ओम असतो मा सद गमय तमसो मा ज्योतिर, ये रा इसके साथ प्रयोग किया है, ज्योतिर्गमय मृत्योर, ये रा इसके साथ मृत्योर
मृतम गमय। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, हमें झूठ से सत्य की ओर ले चलो। हम झूठ में फंसे पड़े हैं, हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधेरे में हम फंसे हैं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हमारी मृत्यु ही ना हो, हम अमर हो जाएं, इस तरह के हमें रास्ते पर ले चलो। तो ये श्लोक इस तरह से बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। अब इन श्लोकों में कहीं पर भी आपको धर्म नहीं दिख रहा होगा, कहीं धर्म की बात ही नहीं है। सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है। तो इस श्लोक के बाद हम पढ़ते हैं आगे वाले श्लोक में, और पढ़ते हैं, ओम सह ना भवतु, ओम सह ना भवतु, सह नौ भुनक्तु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यम, सह वीर्यम करवा करवा वहै। हिंदी में वह पढ़ते हैं, यहाँ है वहै, है वहै। अब आगे, तेजस्वी ना वदीत मस्तु मा विद विषा वहै। ये भी कठोपनिषद में लिखा है। फिर से बोलेंगे, ओम सह ना भवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वहै, तेजस्वी ना वदीतमस्तु, मा विद विषा वहै। तो बोलेंगे उसका उसके पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। यहाँ कठोपनिषद में ये बात करी हुई है, लेकिन आप इसको आज के संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं कि हम एक साथ साथ जो हैं एक दूसरे की रक्षा करें। हम सब जो हैं एक साथ विद्या के फल का भोग करें, ठीक है, और उसी तरह से हम सब एक साथ मिलकर विद्या की प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, और इस तरह से हम सब पढ़े हुए हों और तेजस्वी हों और एक दूसरे से नफरत कभी ना करें। तो इस तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है, निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, अधिकतर इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वहै, तेजस्विना वदीतमस्तु, मा विद्विषा वहै। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं, और वह श्लोक है मा भ्राता। क्या है ये? मा भ्राता, भ्रातरम, ये रा की मात्रा है, भ्रातरम, भ्राता और भ्रातरम। द्विक्षण, क्या है ये? द्विक्षण, DWI, द्विक्षण, मा स्वसार मुत स्वसा, मा स्वसार मुत स्वसा। ठीक है, आगे है सम्यंचह, स्वव्रता भूत्वा, वाचम वदत भद्रया। अथर्ववेद का श्लोक है। फिर से बोलते हैं, मा भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, मा स्वसार मुत स्वसा, सम्यंचह स्वव्रता भूत्वा, वाचम वदत भद्रया। अथर्ववेद का श्लोक है। इसको इस तरह से हम जानेंगे कि भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर, अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर, भद्रभाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। भद्रभाव मतलब कल्याण की भावना से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। तो इस श्लोक को हम लोग इस तरह से भी कहीं मंच से बोल सकते हैं कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं, बहने हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें,
एक ही गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करें, मिलजुल करके सभी कर्म करें और हमारी भावना और विचार जो हैं एक तरह के हों, हम सभी के लिए कल्याण की भावना रखें। तो इस तरह से हम लोग इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने इतने ही श्लोक सीखेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगले पार्ट में हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ताकि हमारी संस्कृति जो है वो एक सरिता की भांति निरंतर आगे बढ़ती चले। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका समय मंगलमय हो।